क्लास 9 चैप्टर केमिकल चैप्टर 4 है ये केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन। तो चैप्टर के बारे में पहले तो समझते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। द केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स एज सिंबल। कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका नेम जो है हम क्या करते हैं, हम उसके अल्फाबेट को यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कार्बन है, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम है, उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बट पहले के टाइम पे हम ये मेथड यूज नहीं करते थे। इनिशियली द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ डिस्कवरी एंड ऑन देयर स्पेसिफिक कलर। कि जो पहले जो एलिमेंट था वो किस पे बेस्ड था, जिस प्लेस से वो मिला है या उसका जो कलर है उसके कलर के अकॉर्डिंग उसको नेम देते थे, या जिस प्लेस से वो मिला था उसके अकॉर्डिंग। अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इट्स कलर। जो गोल्ड है उसका नाम उसके कलर से पड़ा है। और वहीं पे द नेम ऑफ कॉपर वॉज बेस्ड ऑन इट अकरेंस प्लेस किप्रस या सिप्रस। जो कॉपर है उसके जो प्लेस जहां से वो मिला सिप्रस से मिला, तो इसके सिप्रस के अकॉर्डिंग ही हमने उसका नाम क्या दे दिया, कॉपर। बट ये मेथड भी बहुत ही टिपिकल था क्योंकि बहुत अलग अलग आइटम्स अलग अलग जगह से मिलते हैं तो उनका नाम याद करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया, इंप्रोवाइज किसने किया, डॉल्टन ने। डॉल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि उन्होंने हर एक एलिमेंट के एक एटम को, यहां पे वन एटम की बात की गई है, कि कोई भी एलिमेंट है उसका एक सिंबल क्रिएट कर दिया। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन का ये सिंबल बनाया, एक सर्कल और उसके अंदर ऐसे, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल बनाया। ऐसे ही उन्होंने ऑक्सीजन का सिंबल बनाया, ब्लैंक सर्कल। ऐसे ही उन्होंने फास्फोरस का सिंबल बनाया, जो मर्सिडीज के लोगों जैसा लग रहा है वैसे उन्होंने, डॉल्टन ने डिजाइन किया। ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने बनाए, उन्होंने सल्फर का भी सिंबल बनाया, उन्होंने जो है वो कॉपर का सिंबल बनाया। तो बहुत सारे सिंबल जो उन्होंने बनाए, आप देख आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, तो उन्होंने सिंबलाइज किया। बट ये मेथड भी बहुत सा टिपिकल सा था क्योंकि अगर हम सिंबलाइज करते हैं तो थोड़ी सी भी मिस्टेक रही। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिर्फ ये फर्क है कितना, ये डॉट का ये जो होलो पार्ट है, ये जो सॉलिड पार्ट है इसका, और वहीं पे तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे तो हमें और इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो इसको और इम्प्रूव किया गया। तो इसको इम्प्रूव किसने किया, इस जो नोमेनक्लेचर है इसको इम्प्रूव किया बेसिलियस ने। बेसिलियस ने इसको इम्प्रूव कैसे किया, बेसिलियस डेवलप अ न्यू सिस्टम फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन विच वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट वर यूज। कि कोई भी जो एटम है जिसका एलिमेंट है, एग्जांपल ले जैसे हाइड्रोजन या कार्बन या क्लोरीन, तो हम इन एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं के अल्फाबेट्स के जो फर्स्ट एक या फर्स्ट दो लेटर्स को यूज करेगा। जैसे हाइड्रोजन को H से, कार्बन को सी से, क्लोरीन को सीएल से। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे उन्होंने नोमिंग इसका जो है अलग अलग सिंबलाइज किया। उससे पहले अब सिंबल है वो सिंबलाइजेशन है क्या, द स्मॉलेस्ट फॉर्म फॉर फॉर्म इंस्टीड ऑफ फुल नेम। कि किसी भी फुल नेम की जगह
उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, इसी को हम बोलते हैं सिंबल। जैसे सिंबल देखो, हर एक कार का एक अलग सा सिंबल होता है, लोगो होता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये कौन सी कार है। तो वही बात है, एक एटम को पता करने के लिए हमने सिंबल्स बना दिए। जैसे हाइड्रोजन की ये शॉर्ट फॉर्म बना दी एच, कार्बन की सी, क्लोरीन की सी एल। बिजिलियस ने जो सिस्टम डेवलप किया उसको आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने किस बेसिस पे, उन्होंने कुछ बेसिस रखे। जैसे फर्स्ट देखें तो फर्स्ट जो बेस है वो क्या है, द एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें हाइड्रोजन, आपके बुक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने क्या बोला कि द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश अल्फाबेट। की जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, उसके इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर से। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच है तो एच से, ऑक्सीजन का ओ है तो ओ से, कार्बन का सी है तो सी से, नाइट्रोजन का एन है तो एन से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड बेसिस क्या बनाया उन्होंने, सेकेंड बेसिस, इफ द नेम्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम लेटर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम एक ही लेटर से शुरू होता है। बुक के एग्जाम्पल देखें तो बोरॉन, ये भी बी से स्टार्ट होता है। बेरिलियम, ये भी बी से स्टार्ट होता है। बेरियम, ये भी बी से स्टार्ट होता है। बिस्मथ, ये भी बी से स्टार्ट होता है। ऐसे ही कार्बन, कैल्शियम, कार्बन सी से, कैल्शियम भी सी से, कोबाल्ट भी सी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन भी सी से स्टार्ट होता है और क्रोमियम ये भी सी से स्टार्ट होता है। तो इनको हम, इनको नॉमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। तो बोरो क्या उन्होंने बोला, फॉर वन एलिमेंट वी यूज फर्स्ट लेटर असेंबल एंड फॉर सेकेंड फर्स्ट टू लेटर। कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहले आता है, इसका तो हम फर्स्ट लेटर ही यूज करेंगे, पर जो बाद वाले हैं इनके हम फर्स्ट टू लेटर यूज करेंगे। जैसे इसका बी ई, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ऐसे ही बेरियम में बी ए, बिस्मिथ में बी आई, ऐसे ही कार्बन में कार्बन पहले आता है तो कार्बन का सी, कैल्शियम में देखो इसका तो एक यूज कर लिया तो इसके दो लेटर यूज करेंगे सी ए, कोबाल्ट का सी ओ। अब देखो क्लोरीन और क्रोमियम की स्पेलिंग सेम सी एच सी एच, तो अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर कैसे करते, तो हम इसमें पहला और एच को भूल के एल, ऐसे ही सी और आर, यानी कि सी एल और सी आर, ये जो सिंबल्स है वो यूज करते हैं। ऐसे ही और भी, अब सभी एलिमेंट्स को ऐसे हो नहीं रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने एक और तरीके से एडजस्ट किया। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। कि जो कुछ एलिमेंट्स है उनके लैटिन नेम से उनका सिंबल बना दिया। जैसे एग्जांपल देखें सोडियम, सोडियम को अगर वैसे नॉर्मल देखें तो एस या एस ओ होना चाहिए, बट इसका लैटिन नेम लिया गया, इसका लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम, तो इसका सिंबल बना दिया गया Na। ऐसे ही अगर देखें एग्जांपल देखें तो गोल्ड का एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड, गोल्ड का जो होता है लैटिन नेम ऑरम, इसका नाम दे दिया Au। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्वर अर्जेंटम तो Ag, कॉपर क्यूप्रम तो Cu, पोटेशियम कैलियम लैटिन नेम होता है तो K, आयरन फेरम कैलियम इसका लैटिन नेम है तो Fe, लेड का प्लम्बम होता है तो पीबी, मर्करी का हाइड्रोजन होता है तो एच जी, टंगस्टन का वॉल्फ्राम होता है तो डब्ल्यू। अब ये सब तो इन्होंने कर दिया एडजस्ट, तो यहां तक 100 एलिमेंट्स जो है वो एडजस्ट हो गए, बट उसके बाद उन्होंने आगे के एलिमेंट्स के लिए एक नया मेथड अपनाया। वो मेथड क्या है,
तो अब 100 से ज्यादा वाले एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे एडजस्ट किया, 100 से कैसे, द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ थ्री लेटर्स। उनको कितने लेटर्स में शो किया हमने, थ्री लेटर्स में शो किया, यानी कि उनके नेम में तीन लेटर आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन में तो एक आ रहा है एच, सोडियम में Na, तो 100 से ज्यादा वाले में तीन लेटर्स आए। उनको उनका नॉमिनल कल्चर किया, उनको नेम कैसे दिया, उनको उनके नंबर के अकॉर्डिंग नेम दिया, यहां पे नंबर और यहां पे नेम। तो नंबर माने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 0, दोनों का एक ही नाम रखा, 10 पे जो नाम है वही 0 पे। 1 को बोला अन बाई, 2 को बोला बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन और 10 या 0 को नील। इन्होंने ऐसे नॉमिनल कल्चर किया। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मान लो एक एलिमेंट है, उसको नेम, अब देखो कैसे एलिमेंट को नेम करेंगे, एलिमेंट और नेम। मान लो 101 एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 101, तो देखो ध्यान कैसे दिया इन्होंने, 1 को हम क्या बोलते हैं, अन, तो इसको बोलेंगे हम अन, ओके। 0 को क्या बोलते हैं, 0 को बोलते हैं निल, तो अन के बाद आएगा निल। फिर 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं अन, तो फिर आ जाएगा अन, ओके। यहां तक तो है, इन्होंने बोला कि इनके बाद जो 100 के बाद जो एलिमेंट्स है उनके लास्ट में हमें क्या लगाना है, ईएम, आई यू एम। तो अगर हम इसे टोटल मिला दें तो नाम बनता है अन निल अनियम, अन निल अनियम। और इसको अब तीन लेटर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया, कि हम क्या करेंगे, पहले तीन के फर्स्ट लेटर लिखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर है यू, इसका फर्स्ट लेटर है एन, इसका फर्स्ट लेटर है यू, तो क्या बना, यू एन यू, पहला लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी जो है स्मॉल रहेंगे। तो 101 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू एन यू से। ऐसे ही हम एग्जांपल ले 102 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 102 देखो सेम वही रहेगा, 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को अन, तो अन, 0 को क्या बोलते हैं, निल, तो यहां पे आ जाएगा निल, 2 को क्या बोलते हैं, बाई, तो आ जाएगा बाई, और लास्ट में क्या लगाना है, ईएम, ईएम मतलब आई यू एम, तो आई तो पहले से ही है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, सिर्फ यू एम, तो नाम क्या बना, अन निल बीएम। तो इसका जो बनाए, तो 102 का जो अगर सिंबल बना, सिंबल क्या बना, यू एन बी, फर्स्ट लेटर लेते हैं ना, तो यू स्मॉल एन स्मॉल बी। ऐसे ही 103 का देखो, 103 का क्या बनेगा, अन निल ट्राई और ईएम, अन निल ट्रियम का क्या बनेगा, यू एन टी। ऐसे ही 104 का क्या बनेगा, अन निल क्वाडियम, तो यू एन क्यू। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आयन, ओके, आयन्स होते क्या हैं, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कि कोई भी एटम जो होता है उस पर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों की अमाउंट क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बट बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन नहीं वो लूज करता ना ही गेन करता, इलेक्ट्रॉन या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा यानी गेन कर लेगा, या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं तो एटम पे चार्ज आ जाता है। बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एटम बिकम्स चार्ज, दीज चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन। इसीलिए उन एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एटम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, क्योंकि उस पर क्या जाता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज क्रिएट होने के हिसाब से इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो बेसिस पे, एक होते हैं कैटायन
और एक होते हैं एनायन, दो बेसिस बन जाते हैं। अब कैटायन क्या होते हैं, कैटायन को समझते हैं। द कैटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। कि मान लो कोई एक एटम है ए, ओके, इसमें से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किया। लूज देखो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम कब करता है, जब हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें। यानी कि देखो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो जाके जो वेपर में कन्वर्ट होता है, वैसे ही हम मानो कि एटम को एनर्जी प्रोवाइड करवाते ही एटम में से क्या होता है, एटम में से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाता है, वो लूज कर देता है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो कैटायन कब बनता है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है। ओके, तो क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म और इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो इस इक्वेशन से हमें समझ आता है, एक एटम था उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो वो क्या बन गया, कैटायन। ऐसे ही अगर हम एनायन की बात करें तो मान लो एक एटम है एम, एम नाम का एक एटम था, ओके, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या हुआ, ये अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें वो एनर्जी रिलीज करता है, ये बात ध्यान रखना। वो देखो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसमें से एनर्जी लूज हो गई है। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ गया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे ये क्या बन गया, हा ये बन गया एनायन। देखो एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। वन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो एनायन बनेगा। क्यों बनेगा, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्या बन गया, एनायन। इसको हम इक्वेशन से समझ सकते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, हम इसी एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। देखो कैटायन कब बना, जब एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसकी वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। तो समझो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। यानी कितनी अमाउंट एनर्जी की लगी जिस वजह से एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। तो देखो एनर्जी की वजह से इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो एक आयन बन गया, कौन सा आयन बना, कैटायन। तो ये जो एनर्जी थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में होती है, कैटायंस में, ओके। अब वही बात करें एनायन की, तो एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो एनायन में कन्वर्ट हुआ और उसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी। तो समझो ध्यान से, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो एनर्जी है वो क्या हुई, वो कब निकली, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बनी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, एनर्जी या एंथैल्पी, ओके।
अब नेक्स्ट टर्म क्या है, द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एटम, कि कोई भी कैटायन है उसका साइज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है। देखो क्यों होता है, मान लो ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ओके तो इसको हम प्लस से सिंबलाइज कर देते हैं क्योंकि बीच में प्रोटॉन होते हैं, ओके और ये जो है उसके ऑर्बिट्स हैं, दो ऑर्बिट्स हैं मान लेते हैं, इसमें ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके तो अब देखो एनायन कैटायन बनता कब है, कैटायन कब बनता है जब एटम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अगर इसमें से ये ही एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, अब कैटायन कब बना, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो खत्म हो गया, ऑर्बिट खत्म होने की वजह से मान लो अब इसका एग्जांपल देखो, इसमें कितना देखो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन है, तीन ही प्रोटॉन है और तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तीन शो कर रहे हो, बट कैटायन बनने के बाद देखो इसमें प्रोटॉन तो लूज नहीं किया, तो इसमें तीन प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से साइज जो हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए द साइज ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एटम, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सो द साइज इज डिक्रीजेस, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे तो इक्वल था, ये जितना फोर्स लगा रहा उतना ये लगा रहा कि अमाउंट इक्वल थी, बट यहां पर देखो ना, यहां पर कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस वजह से जो है वो न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा, ओके। जनरली द मेटल फॉर्म्स कैटायन, तो समझो ध्यान से, जो मेटल होते हैं वो कैटायन बनाते हैं, यानी कि मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और क्या मतलब बनता है, देखो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, तो मेटल्स पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं उतने ही इसको उसको वैलेंट बोलते हैं, वैलेंट कैसे, मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन किया, वन को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं बाई, थ्री को बोलते हैं ट्राई, तो ऐसे ही देखो द मेटल्स एटम फॉर्म मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट जिसने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया तो वो एक बॉन्ड बनाया तो मोनोवैलेंट, ऐसे ही बायोवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट कैटायंस बनाते हैं, इनको हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ऐसे ही एनायन की बात करें, एनायन में क्या होता है, एक यही एग्जाम्पल है, इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं, इंप्रूव कैसे करते हैं, मान लो एक एटम था, ओके एक एटम में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, एनायन बन गया, ओके अब देखो समझो ध्यान से, ये न्यूट्रल एटम था, इसमें दो प्रोटॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर, बट इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इसमें दो प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तीन हो गए, तो पावर किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पावर ज्यादा होगी, तो इस वजह से इसका साइज, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एनायन जो है इसका साइज अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एटम बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा फोर्स हो रहा है, विच इंक्रीज द साइज ऑफ एनायन, जनरली नॉन मेटल्स एटम्स फॉर्म एनायन, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ही बनाते हैं क्या, एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज बनाते हैं।